नमस्कार, स्वागत है आपका चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में। मैं हूं मानसी दवे और आज के इस सेगमेंट में हम समझने की कोशिश करेंगे आईपीओ। आईपीओ क्या है और गुरुकुल है तो फिर गुरु भी होंगे हमारे साथ। हर बार की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आईपीओ सुना है, थोड़ा सा पता भी है कि एक जरिया है, लेकिन ये जरिया क्या है? देखिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब शुरुआती एक ऐसा प्रस्ताव या ऑफर जो पब्लिक के लिए, ठीक है। ये प्रस्ताव कौन देता है? कंपनी देती है। किसे देती है? निवेशकों को। इसलिए इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पहली बार कोई कंपनी ये प्रस्ताव देती है निवेशकों को, आइए मेरे शेयर खरीदिए, पैसा लगाइए, निवेश करिए, तो उसे कहते हैं आईपीओ। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसे पब्लिक इशू भी बोलते हैं। पब्लिक इशू और आईपीओ में कोई खास फर्क नहीं है, सेम चीज है, एक तरह से ये समझ लीजिए, ठीक है। बहुत बार इसे ये कहते हैं कि प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट होते हैं, उससे पहले कोई भी कंपनी अपना पब्लिक इशू लेकर आती है और उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब पब्लिक इशू, आईपीओ। तो आईपीओ इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी शेयर बाजार से पैसा जुटाना चाहती है, उस पैसा जुटाने के लिए वो लोगों के पास जाती है, बताती है, देखिए जी हमें इस काम के लिए पैसे की ज़रूरत है, इतने पैसे की ज़रूरत है और हम अपना शेयर इतने रुपए में आपको बेचने के लिए तैयार हैं, आइए पैसा लगाइए। जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, सिंपल। ज्यादा कंफ्यूजन के लिए एक ऑफर है। क्या होता है ना, बड़े बड़े नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, आईपीओ मतलब वो कुछ बड़ी चीज होगी। सिंपल है, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में कौन, कोई कंपनी है इशू कर रही है, किसको कर रही है? पब्लिक को। क्या कर रही है? शेयर। तो मतलब एक राइट दे रही है कंपनी, अपनी कंपनी में पब्लिक को हिस्सा, हाँ, जिसको लगाने लगे वो कह रही है कि भाई पब्लिक को हम शेयर इशू कर रहे हैं, जिसको इन्वेस्ट करना है पैसा लगाइए, खरीद लीजिए। तो फिर आईपीओ और शेयर्स, इन दोनों में फर्क क्या है? आईपीओ में भी शेयर इशू किए जाते हैं। अच्छा। और फर्क इतना ही है कि एक बार आईपीओ आ गया, कंप्लीट हो गया, और उसके बाद शेयर हो जाता है लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी बीएसई। उसके बाद रोज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, खरीदो बेचो चलता रहता है रोज, जैसे सारे शेयर आप देखते हैं ना। अच्छा, रोज इतना ट्रेड कर। प्लेटफॉर्म की जरूरत है वैसे ही, एक शुरुआती प्लेटफॉर्म। तो शेयर लिस्ट हो उसके पहले की प्रोसेस को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, पब्लिक इशू। लिस्ट हो गए, अब हो गया ये सेकेंडरी मार्केट। तो हम अब तक जो बात कर रहे थे वो सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे थे, आज जो बात कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट की, पब्लिक इशू की, आईपीओ की। बिल्कुल। तो कंपनी कब लेकर आती है आईपीओ? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी को पैसे कब चाहिए। सी, कंपनी क्यों ला रही है पब्लिक इशू? इसलिए कि उसे पैसा जुटाना है जी। सी, समझिए, मान से देखिए, सपोज आपको कोई, कभी आपने सोचा कोई अच्छा बिजनेस करेंगे, ऐसा कुछ है ख्वाब? हर बार कौन सा, ख्वाबों में भी बिजनेस आते हैं मेरे। कौन सा? अभी रिसेंटली मैंने सोचा था कि एक लाइब्रेरी का बिजनेस होना चाहिए। कितने पैसे चाहिए? कम से कम शुरुआत तो 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए? अब आपके पास 1 करोड़ तो होंगे नहीं? नहीं, पक्का नहीं है ना। नहीं। अच्छा, थोड़े बहुत होंगे और बाकी थोड़ा बहुत तो आपके दोस्त लोग उधार दे देंगे जी। बाकी बचाव कहाँ से आएगा? मुश्किल है ना। या तो बैंक से किसी से लोन लो। अब लोन तो प्रॉब्लम क्या है, बैंक वगैरह को लोन उनको देना है जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है उनको देना नहीं है, है ना। क्योंकि अब वो आप जाएंगे, आप मुझे सिक्योरिटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आपके पास होगा नहीं थोड़ा ज्यादा। तो पॉइंट ये कि क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आप करना चाहते हैं, या आपका उसमें ट्रैक रिकॉर्ड है, या आपने एक इनिशियल लेवल तक कर लिया शुरुआती, उसके बाद उसको बढ़ाना चाहते हैं, है ना, लेकिन पैसे नहीं है। वही तो दिक्कत है। अब आप अपने दोस्तों से, बैंक से, कहीं इधर उधर से उधार लेके कितना ले लेंगे, और उधार भी कितना लेंगे, चुकाना भी तो है भाई, है ना। तो ऐसे में कई सारे प्रमोटर्स, कई सारे बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि क्यों ना पूंजी जुटाई जाए लोगों से। अच्छा, मैं जाके लोगों को कहूंगा भाई देखिए, मानसी जी ये बिजनेस करना चाहती हैं, लाइब्रेरी का बिजनेस, इस लाइब्रेरी के बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये प्रोस्पेक्ट है, अच्छा बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, जो भी है, जिसको पसंद आया वो मानसी जी की कंपनी के शेयर खरीदेगा। तो कंपनियां आईपीओ इसलिए लाती है कि उन्हें अपने कारोबार करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, यानी कारोबार बढ़ाने के लिए, या कारोबार चलाने के लिए, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, है ना, उसके लिए पैसे की जरूरत है। और पैसे की जरूरत पूरा करने के दो ही तरीके, कर्ज ले लें या तो, या फिर आईपीओ, या फिर इक्विटी यानी कि पूंजी। कर्ज लेने के तरीके ये, या तो यार दोस्तों से ले लें, या बैंक से, इंस्टीट्यूशन से ले लें। पूंजी के दो ही तरीके, या तो आप अपनी लगाएं, या फिर दूसरों से लें। ये दूसरों से पूंजी लेने का जो तरीका है ये आईपीओ है।
अच्छा, तो फिर मतलब किसी भी कारोबार को विस्तार करना है तो एक बार आईपीओ लेकर आते हैं, लेकिन क्या आईपीओ में हमें लाइक निवेशक को पैसा लगाना चाहिए? देखिए सिंपल फॉर्मूला है, दो चीजें याद रख लीजिए जिंदगी में, आपको हर एक जगह पैसा लगाना चाहिए जहां दो चीजें आपकी सेटिस्फाई हों। पहली चीज, ये लीगल होना चाहिए जी, तो क्या आईपीओ में पैसा लगाना लीगल है? बिल्कुल है, 100%। और दूसरा, जहां पैसा लगाएं उसमें पैसा बनना चाहिए, है ना, लीगल होना चाहिए और पैसा बनना चाहिए। अगर आपके आप किसी आईपीओ में पैसा लगाने का मन कर रहे हैं तो ये दोनों चीज सोच लीजिए। ये आईपीओ क्यों, कहीं भी जी, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें भाई, दोनों कंडीशन पूरी हो रही तो कर दीजिए ना, किसको पूछना है। तो आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आईपीओ वाकई में कितना अच्छा है, उसमें पैसा लगाने से पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको तो जवाब हाँ या ना में चाहिए। हाँ। और हमें हो गए 25 साल कैपिटल मार्केट में, अभी तक ये रोज सर खुजा कर ये पता लगाने की कोशिश करती है आईपीओ अच्छा है कि नहीं कहीं। तो मतलब इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ उतना मुश्किल भी नहीं है कि आप पता ना लगा पाए। तो ये हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे कि किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और लगाना है तो किस तरह से पता करें कि किस आईपीओ में पैसा लगाना है, उसकी फॉर्मूला है, तरीका है। ठीक है, आमतौर पर आप गलत नहीं पढ़ते, आमतौर पर। बाकी तो देखिए स्टॉक मार्केट है, कभी भी किसी के भी अच्छे से अच्छे आईपीओ में गलत पढ़ने के आसार होते हैं और खराब से खराब आईपीओ में पैसे बन जाते हैं। ठीक तो है, वो सब मार्केट के अलग अलग तौर तरीके हैं, लिस्टिंग के अलग तौर तरीके हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए, आईपीओ में पैसा लगाने की राय हम आमतौर पर उन इन्वेस्टर्स को देते हैं जो शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा लगाने की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं वही समझना चाह रही थी, वो एक चीज तो आपके लिए ठीक है, अगर कोई नया निवेशक या नया इन्वेस्टर है जो अभी शुरुआत ही कर जिनको शेयरों की समझ कम है, हाँ, तो क्या वो आईपीओ में? हालांकि मैं एक बात और कह दूं मानसी, यहाँ पर नई कंपनी के बारे में पता लगाना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड करना और आईपीओ में पैसा लगाना ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी चूंकि आपको एक पर्टिकुलर चीज पता होती है कि ये आईपीओ कितना सस्ता कितना महंगा है, वो आगे फॉर्मूला में समझ में आएगा, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि नए निवेशकों को कम रिस्क लेकर आईपीओ से शुरुआत करनी चाहिए। एक बार आपने आईपीओ में पैसा लगाया, आपको कैसे अलॉटमेंट आता है, कैसे शेयर आते हैं, फिर आप कैसे उस पर मुनाफा कमाते हैं, कैसे बेचते हैं, तो क्या आपको शेयर मार्केट की जो है ना ABCD एक एक्टिविटी एक्सरसाइज, हाँ, वो पता चल जाएगी कि शुरुआत कहाँ से करनी है, एप्लीकेशन कैसे लगानी है, फॉर्म कैसे भरना है, ASBA क्या होता है। अरे 50 चीज़ें हैं, मतलब मैं आपको बताऊँ आईपीओ पे अगर आपकी हिम्मत है तो, आपकी सहन शक्ति है तो, मैं कम से कम 20 क्लास ले सकता हूँ। और हम तैयार हैं आईपीओ पे। इतना सारा मसाला है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है जहाँ से हम कहते हैं कि नए इन्वेस्टर को शुरुआत करनी चाहिए पैसा लगाने की, ताकि आपको शेयर मार्केट समझ में आने लगे धीरे धीरे। सेकेंडरी मार्केट समझने के लिए प्राइमरी मार्केट समझना जरूरी है, और प्राइमरी मार्केट की समझ आपको तब आती है जब आप सेकेंडरी मार्केट पूरा समझ जाएं। जी, तो एक बात तो तय है, ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी है अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे आईपीओ की क्लासेस जो हैं इस पर आपको बने रहना है। लेकिन अनिल जी, अब मैंने मन बना लिया है मैं आईपीओ में पैसे लगाना चाहती हूँ, अब मुझे क्या करना होगा, प्रोसेस क्या होगी फिर? देखिए सिंपल चीज है, जो भी कंपनी आईपीओ लाती है वो बाजार में ऐलान करती है। देखिए आईपीओ कैसे लाया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस है, वो हम अलग एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे कंपनी प्लान करती है और आपको कैसे पता लगाना है कब क्या आ रहा है, कौन सा आईपीओ आ रहा है। लेकिन आमतौर पर एक सिंपल समझ लीजिए कि जो आईपीओ आता है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ये आईपीओ इस तारीख को खुलने वाला है, इस तारीख को बंद होने वाला है, ठीक है? उसकी प्राइस आ जाती है। अब दो तरह के आईपीओ होते हैं, पहला फिक्स प्राइस आईपीओ और दूसरा बुक बिल्डिंग आईपीओ। ठीक है, ये हम आपको आगे समझा देंगे। अनिल जी, आईपीओ के प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे थे और दो तरीके आपने सुझाए थे, वो जरा समझा दीजिए। देखिए फिक्स प्राइस आईपीओ, पहला ये तरीका है कि कोई भी कंपनी जो आईपीओ लेकर आती है, जो पब्लिक इश्यू लेकर आती है, वो कहती है कि मेरे शेयर का दाम ये है, 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, 500 रुपए, जो भी कंपनी डिसाइड करती है। उसके डिसाइड करने का जो तरीका है वो हम अलग से बताएंगे आपको, लेकिन कंपनी ने कह दिया कि ये हमारा प्राइस है, समझिए 45 रुपए, इसमें ये प्राइस है, इस प्राइस पर हम इतने शेयर इशू करना चाहते हैं, जिसको पैसा लगाना लगा लीजिए, सिंपल है। दूसरा तरीका होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। ठीक है, बुक बिल्डिंग आईपीओ में क्या होता है, एक रेंज दी जाती है। ये रेंज जो है ना कि भाई
आप इतने रुपए से इतने रुपए की बुक बिल्डिंग है, से 100 से 110 रुपए की बुक बिल्डिंग प्राइस का वो रेंज है बुक बिल्डिंग, उसमें आप जिस प्राइस पर लगाना चाहें आप अपनी बिड कर सकते हैं कि मुझे 100 में लेना है कि मुझे 110 में लेना है। बुक बिल्डिंग प्राइस में जो रेंज होती है वो 20% से ज़्यादा की नहीं हो सकती ऊपर और नीचे के दाम पे, यानी कि जैसे 100 रुपए है नीचे का दाम तो ऊपर का 120 होगा, ओके 80 है तो 96 हो जाएगा, है ना, तो मैक्सिमम रेंज 20% की हो सकती है, क्लियर है जी। तो ये आपकी रेंज है जिसके अंदर अंदर आपको अनाउंस करना है, छोटी भी कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां 1 रुपए की 2 रुपए की भी ऐसा 1% 2% की भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक रेंज देनी होती है और उस रेंज के हिसाब से इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन करते हैं अमाउंट की, उन्हें रिटेल कैटेगरी में माना जाता है और इंडिविजुअल होने चाहिए, कंपनियां नहीं, कंपनियां तो कितनी भी करें वो नॉन रिटेल ही मानेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं आप और मेरी तरह, वो 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन अगर लगाते हैं पब्लिक इशू में तो वो रिटेल है। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक फैसिलिटी है, आप कट ऑफ प्राइस पर लगा दीजिए पैसा। अब आप बोलेंगे कट ऑफ प्राइस क्या, पहली बार ही सुना ना, कट ऑफ प्राइस वो प्राइस है जिस पर कंपनी जो फाइनल करेगी प्राइस की, इस प्राइस पर सपोज 100 से 120 रुपए की इशू वो बुक बिल्डिंग प्राइस रखी है, प्राइस बैंड जिसको कहते हैं, प्राइस बैंड 100 से 120 है, तो अब आप कंफ्यूजन में 100 में लगाऊं 110 में लगाऊं 115 120, तो एक सेबी ने सुविधा दी है कि आमतौर पर छोटे इन्वेस्टर्स को पता तो चलता नहीं, तो क्या है, सिंपल है, आप एक काम करिए जो हाईएस्ट प्राइस है समझिए 120, उस हिसाब से एप्लीकेशन कर दीजिए और अंदर लिख दीजिए कट ऑफ। तो अगर 110 पे आया तो भी आपको शेयर मिल जाएगा, 100 पे आया तो भी मिल जाएगा, 105 पे आया तो भी मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ मैं अपनी मर्जी से लिखूंगी, कट ऑफ तो खाली लिख दिया, नहीं तो आपने हाईएस्ट प्राइस पे लगाया है तब भी आप एलिजिबल हैं, कि उससे ज्यादा तो प्राइसिंग आ नहीं सकती। तो आमतौर पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कहते हैं कट ऑफ लगा दीजिए, हाईएस्ट प्राइस के हिसाब से आप चेक दे दीजिए, प्राइस अगर कम आई तो भी आपको शेयर मिल जाएगा, हाईएस्ट से ज्यादा तो आ नहीं सकती, तो आराम से आप शेयर ले सकते हैं। तो ये तरीका है, ये तरीका है, तो आपको ये डिसाइड करना होता है शेयर लेने का। इसके अलावा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, आजकल फिजिकल तो कोई करता नहीं, ज़्यादातर सब ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया, अपनी डिटेल भरी, डिटेल में क्या है वही है जो आपका पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, आपको डीमैट अकाउंट की डिटेल डालनी है, वो डीमैट अकाउंट जिसमें आप चाहते हैं कि शेयर आएंगे, बैंक अकाउंट वो जिससे कि आपका पैसा जाएगा, तो वो आपको देखना है। और इसमें एक फैसिलिटी और आजकल शुरू की है, पहले क्या होता था कि बड़ा मुश्किल काम होता था, एप्लीकेशन करो, फॉर्म भरो, चेक लगाओ, फिर चेक पास होगा, कई बार चेक बाउंस हो जाता था, फॉर्म के साथ चेक आलपिन बराबर नहीं लगाई कहीं इधर उधर घूम गया आपका फॉर्म डिसअलाउ, 50 झंझट होते थे। सेबी ने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब जो रिफॉर्म्स प्राइमरी मार्केट में आए ना आईपीओ में, वो तो काबिल तारीफ है। एक तो प्रोसेस हो गई छोटी, 7 दिन में सारा काम खत्म हो जाता है। अच्छा हाँ, क्विक हाँ, और ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट ये नया शुरू किया। इसमें क्या होता है, आपके पास बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को आप लिंक कर दो अपने डीमैट अकाउंट से, जब आप आईपीओ में एप्लीकेशन कर रहे हैं जितने अमाउंट के आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा, कि समझिए आपने 25,000 की लगाई, 50,000 की, 2 लाख की लगाई, उतना अमाउंट बैंक आपका ब्लॉक कर देगा, वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन रहेगा आपके अकाउंट में ही जैसे आईपीओ के शेयर्स मिल। लेकिन अगर समझिए आपको 2 लाख रुपए के शेयर मिले, हाँ, तो 2 लाख रुपए बैंक से आपका कंपनी को चला जाएगा, 2 लाख की आपने एप्लीकेशन लगाई लेकिन शेयर आए 10,000 रुपए के, तो 10,000 लिए जाएंगे, 1,90,000 रिलीज हो जाएंगे, तो वो रिफंड का झंझट ही खत्म। ज्यादा लो ही मत कि रिफंड देना पड़े, एक तो ये फायदा। दूसरा फायदा क्या है, जितने दिन आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है ब्याज भी बैंक से आपको मिल रहा है, कंपनी को नहीं जा रहा है, तो तब तक आपके पास ही है जब तक प्रोसेस पूरी नहीं होती है ना, तो और प्रोसेस का टाइम भी कितना, 7 दिन, तो ये बड़ा आराम हो गया। तो इसलिए एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट ASBA होना जरूरी है, ASBA है तो ही आप पैसा लगा सकते हैं आईपीओ में, और ये बड़ा आसान काम हो गया, ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो हर एक इन्वेस्टर को वो ASBA अकाउंट रखना होगा, ब्लॉक कर दीजिए और एप्लीकेशन करिए। अच्छा, तो ये फॉर्म आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आईपीओ से पहले फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन भी मिलता है फॉर्म, वैसे फिजिकल भी मिलते हैं। अच्छा, अब आजकल फिजिकल धीमे धीमे सब बंद हो गए, कोई करता नहीं, तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लो फॉर्म भर लो, और ऑनलाइन मुझे लगता है कंज्यूमर फ्रेंडली भी है ज्यादा। हाँ, आसान काम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, तो प्रोसेस, प्रोसेस तो हमने समझने की कोशिश की। जितने जितना आपको अलॉटमेंट हुआ है उतना आपका पैसा चले जाएगा बैंक अकाउंट से, और उतने ही शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और उसके बाद जब शेयर की लिस्टिंग होगी फिर आपके ऊपर है, आपको कब बेचना है, कब रखना है, कब खरीदना है, जो आपको करना है करिए, कोई दिक्कत। और फिर वो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के जैसे ही आ गया रख सकते हैं, वो एक शेयर बन चुका है। हाँ, जैसे वो शेयर तो है ही, ट्रैक कर सकते, देख सकते हैं। उसके बाद आपकी लिस्टिंग होगी फिर रोज रोज भाव देखिए, हर मिनट देखिए, आराम से लगे रहिए ज़ी बिज़नेस पे देखने के लिए। अच्छा, तो ये प्रोस्पेक्टस, इस शब्द के मायने क्या है? ये तो है ना, जन्म कुंडली है। अच्छा, लंबा समय लगेगा। अरे मतलब इस पे तो घंटों बातें हो सकती है। जन्म कुंडली किसकी है? कंपनी की और कंपनी के प्रमोटर्स की। जो कंपनी पब्लिक इश्यू लाना चाहती है उसकी जन्म कुंडली है, और जिस कंपनी के प्रमोटर वो इश्यू लाना चाहते हैं उनकी भी। मतलब प्रोस्पेक्टस का मतलब ये कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे हर कंपनी को पब्लिक इशू लाने के पहले सेबी के पास देना होता है। अच्छा, इसमें एक प्रोसेस बता दूं आपको। पहले सबसे पहले आईपीओ लाने की जो सबसे बड़ी संस्था है जो अप्रूव करती है वो है सेबी। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर तो सेबी है, सेबी है ना जी। सारे डिसीजन सेबी को लेने होते हैं, सारी अप्रूवल सेबी को देनी होती है। ठीक है, तो पहले तो हो गया सेबी। सेबी अप्रूव करती है किसी भी आईपीओ को, उसके बाद ही आईपीओ आ सकता है। आईपीओ आने के बाद फिर आता है दूसरे रेगुलेटर का रोल, और वो है एक्सचेंज, BSE NSE, जहां पर शेयर लिस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लिस्टिंग वाली प्रोसेस के पहले लंबा प्रोसेस है आईपीओ लाने का, और वो प्रोसेस की शुरुआत होती है प्रोस्पेक्टस के साथ, जिसे कहते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पहले ये DRHP होता है, और जैसे इसको सेबी अप्रूव कर देती है, हो गया भाई अप्रूव, तब ये प्रोस्पेक्टस बन जाता है, और तब ये पब्लिक में आता है। पहले DRHP समझ लीजिए क्या है। DRHP एक, मैं क्या बताऊं आपको, पोथा है बड़ा। इसमें उस कंपनी से रिलेटेड, उस कारोबार से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है कि कब से ये कंपनी शुरू हुई थी, कब कितनी कैपिटल थी, कौन डायरेक्टर आए, कौन गए, किसने कितना पैसा डाला, किसने कैपिटल डाली, किसने कम की, कितना डिविडेंड दिया, कब बोनस आया, कब कब क्या कारोबार किया, मतलब हर इंफॉर्मेशन से भी मांगता है। मतलब कंपनी के लिए भी आसान नहीं है आईपीओ लाना? नहीं, आसान ऐसा, मुश्किल और आसान तो बाद में बात की बात है। पहले आप सेबी से तो अप्रूव कराओ। सेबी से अप्रूव कराने के बाद कोई लोग आपकी बिजनेस में पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा, ये दूसरी चीज है। अच्छा, पहले आप ये तो अप्रूव कराओ। तो ये पूरी प्रोसेस में क्या है, ये पूरी प्रोसेस में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पहले तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी के कारोबार की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन देनी उसके प्रमोटर्स की, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो भाई ये आदमी जिन्होंने शुरू किया ये कौन है, कैसे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कोई क्रिमिनल कोई केस तो नहीं चल रहे हैं, कोई टैक्स वैक्स की, ये दूसरी इनकम टैक्स की, फलाना दूसरे टैक्स की कोई लाइबिलिटी तो नहीं चल रही, कोई मुकदमे हैं क्या, हर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको, कोई छुपा नहीं सकते आप। जब आप DRHP के अंडर हैं, DRHP डाल रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन, प्लस आप कह दें कि भाई मेरे पास तो ऑफिस है, ये है, वो है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, सबके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, प्रूफ बाकायदा, वो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉपी के साथ। और इस काम में मदद करते हैं मर्चेंट बैंकर्स, जो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से प्रोस्पेक्टस में किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और इस इन्फॉर्मेशन को यानी कि पब्लिक इशू लाने की शुरुआत से लेकर लिस्टिंग करवाने तक कौन है वो आदमी जो कंपनियों को मदद करता है, कौन है वो आदमी जो इन्वेस्टर्स को मदद करता है, या आप इन आईपीओ में पैसे लगाएं, जिनको कहते हैं मर्चेंट बैंकर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पूरा रोल समझेंगे। चलिए, तो एक बड़ा नाम हमारे सामने अब आ गया है, मर्चेंट बैंकर्स, जिसे समझना होगा, जिसको लीड मैनेजर्स कहते हैं आम तौर पर बोलचाल की भाषा में। अरे, इस इशू के लीड मैनेजर कौन है आईपीओ लाने में जो मदद करते हैं। चलिए, तो गुरुकुल की आज की क्लास तो खत्म हो रही है, लेकिन खत्म होने से पहले गुरु ज्ञान तो बनता है। अनिल जी, आज का गुरु ज्ञान क्या है? जो इन्वेस्टर पहली बार सीधे सीधे शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत करनी चाहिए पब्लिक इशू से। कुछ बेहतरीन पब्लिक इशू आते हैं जहां पर बहुत कम रिस्क है, नहीं के बराबर रिस्क है, कि उसमें अगर आपने पैसा लगाया और आपको शेयर आ गए तो आप नुकसान करेंगे, बल्कि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आप मोटा पैसा बना भी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पहला पब्लिक इशू का प्रोसेस समझ में आएगा, दूसरा शेयर कैसे लिस्ट होंगे वो पता चलेगा, और तीसरा
लिस्टिंग के बाद शेयर कैसे ऊपर नीचे होते हैं, तो जो ज्ञान लेने का सिस्टम है ना शेयर बाजार का, इसकी शुरुआत होती है पब्लिक इश्यू से। तो बेहतरीन पब्लिक इश्यू जो हम बताते ही हैं जी, कभी मिस मत करिए। चलिए तो इसी गुरु ज्ञान के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में भी आईपीओ की क्लास जारी रहेगी, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।